हम यहाँ आए थे तो हमने आपको कहा था कि जनता की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, और ये भी मैंने कहा था कि ये जो कुर्सी है ये जनता की कुर्सी है, और जो जनता कहेगी हम वो करेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब 2018 में बनी थी इलेक्शंस के बाद, कैपेक्स का एक्सपेंडिचर, कैपेक्स हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो पैसा जो हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, वो टोटल 75 वार्डों में हम खर्च करते थे 1.43 करोड़, इनके 1,43,00,000 रुपया 2018 में हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है। जम्मू वासियों को जान के ये खुशी होगी, पिछले दिनों मैंने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उस पे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जो पब्लिसाइज किया हुआ है 2x4 का या 3 का उसमें बोर्ड लगा के डिस्प्ले करते थे, वो सब उतार दिए जाएं। सिर्फ इतना सा काम करने से हमारा 12,00,000 रुपया 1 महीने का रेवेन्यू बढ़ गया। होर्डिंग से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑन एन एवरेज 12,00,000 रुपया प्रति माह मिलता था, वो होर्डिंग उतारने से पोल के ऊपर से अभी हमारा वो 24 लाख पर मंथ हो गया है। कहने का मतलब कितने क्या हुआ, 12,00,000 रुपया महीने का बढ़ा और साल का कितना हो गया 1.44 करोड़। जितना हमने 2018 में हमारा कैपेक्स का बजट था, सिर्फ एक ही स्ट्रोक के साथ उतने पैसे हमने इकट्ठे कर लिए। अब देखने वाली बात यह थी कि ये पैसे अब तक जा कहां रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया था कि ये चेयर जो है वो जनता की है और जनता का एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, और यहां भी हमने हिसाब लिया है और जनता के लिए अब ये पैसे खर्च किए जाएंगे। और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे, धीरे धीरे करके हम ये जो पूरा ब्लैक होल है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी वो लाएंगे।